मैं एक साल से भैया के पीछे पड़ा था एंड कुछ ना कुछ हो जा रहा था, कभी लॉकडाउन हो जा रहा था, कभी भैया बीमार, कभी मैं बीमार, एंड भैया के कभी विंग्स आ जाते थे। तो फाइनली हम मिल गए भैया, कितने दिन, कितने महीनों बाद। और 2021 भी खत्म हो रहा है और अभी फाइनली टाइम मिला है ये इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई, अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, थैंक यू। एंड गाइस, भैया की जर्नी जो है वो 2015 से स्टार्ट हुई है। ही इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया गाइस, एंड 2015 से 2019 तक भैया ने स्ट्रॉन्ग मैन भैया ने होल्ड किया है रिकॉर्ड। एंड मिस्टर उसके बाद 17 में भैया स्ट्रॉन्ग एशिया बने थे, स्ट्रॉन्ग मैन एशिया 2017 एंड 2018 में मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन 4th रैंक आई थी मेरी पूरे वर्ल्ड में भैया। हां यस वर्ल्ड में, वाओ गाइस, यस अंडर 90 की कैटेगरी, यस मैं 4th रैंक थी मेरी। और उसके बाद ये था कि 19 के बाद लॉकडाउन लग गया, अभी 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। हां जी, अभी तक कोई कॉम्पिटिशन खेला नहीं है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड इन यू नो अपकमिंग फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशन इन 2022। भैया अपनी एकेडमी के बारे में बताइए। हाँ, और मैं बात बता दूँ कि हम रनिंग स्ट्रॉन्ग मैन अकेडमी, स्ट्रॉन्ग मैन स्क्वाड, मैक्सिमम लोगों को पता है इस बारे में, और वो इंडिया की फर्स्ट वेल इक्विप्ड फुल इक्विप्ड स्ट्रॉन्ग मैन अकेडमी है। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेनिंग करने आ सकते हैं, ऑल द इक्विपमेंट्स लाइक लॉन्ग प्रेस, डेड लिफ्ट, फार्मर वॉक, डंबल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड स्टोन्स ऑल्सो। हाँ यस, एंड एफिलिएटेड है मेरी स्ट्रॉन्ग मैन अकेडमी वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन फेडरेशन से, जो वर्ल्ड की जो फेडरेशन है उससे, और यूनेस्को से। And guys, he is the first strongman of India and बहुत सारे athletes इन्होंने निकाले हैं। Like भैया, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी एंड मैं इनका फैन हो गया था 2019 में। भैया हम दोनों मिले थे आई थिंक जैन में, हमारा रेनबो क्लासिक दुकान भैया ने कराया था, एंड भैया तब से लाइक दिसंबर से आई थिंक 2018 दिसंबर से भैया और मैं दोस्त है, एंड मैं भैया का फैन हूँ बिकॉज भैया के जो मतलब वीडियोज है एकदम ऑसम होती है, कभी ट्रक खींचते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या खींचते रहते हैं। एंड इनके एथलीट है, एक एथलीट का भैया देखा था वो ट्रेन खींच रहा था, उसका नाम बताइए जरा। हाँ यस, मैक्सिमम ये है कि अभी जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन जो ट्रेनिंग इंडिया में कर रहे हैं, काफ़ी सारे एथलीट्स हैं, वो सभी के सभी मेरे पास थे, सभी तक नहीं आते थे प्रैक्टिस करने के लिए, अभी सबके पास अपने सामान है, अभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी। अच्छा, तो उनमें से एक तो विक्रम सिंह है, वो पंजाब से हैं, उन्होंने अभी वो 2019 में उज्बेकिस्तान गए थे, हम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, और उन्होंने ट्रेन का इंजन पूल किया था वो भी 6.5 मीटर। इस गाइस बहुत हैवी होता है, कम से कम 110 टन उसका वेट होता है स्ट्रॉन्ग इंजन का, और वो उसको पूरी कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन ओपन कैटेगरी। सो गाइस देखिए, जैसे गुरु वैसे उनके चेले। तो गाइस चलिए भैया से जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन का इतिहास क्या था एंड भैया को कहां से लाइक स्ट्रॉन्ग मैन बनने की चाहत आई। हाँ देखो, स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में पहले बताना चाहूँगा बैकग्राउंड कि स्ट्रॉन्ग मैन एक्चुअली में गेम इंडिया में नया गेम है। हाँ, और इंडिया में मैंने इसको स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि देखिए एक तो क्या होता है कि स्ट्रेंथ एथलीट जो होते हैं, जो पावर लिफ्टर्स हैं, वो हमारे फादर का मानना था, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि देखो जब जान होती है तो वो कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर देगा, कोई भी गेम खेल देगा। तो स्ट्रॉन्ग मैन मेरे लिए काफ़ी यू नो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा कि भाई ईजी था मेरे लिए मैं इसमें ट्रेनिंग करना, क्योंकि हम लोग बेसिकली गाँव के बैकग्राउंड से आते हैं, तो खेत में काम करना, कट्टे उठाना, बोरी उठाना, ये सब चीज़ें करना तो हम करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैन में यही सब इवेंट होते हैं एक्चुअली में। फिर दूसरा, स्ट्रॉन्ग मैन गेम इंडिया से ही पैदा हुआ है, इंडिया में ही शुरुआत हुई थी इस गेम की इन 1928 में। श्री राममूर्ति नायडू थे, प्रोफेसर राममूर्ति नायडू, ही फ्रॉम यू नो मद्रास, और मद्रास यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे फिजिकल एजुकेशन के, उन्होंने एक सर्कस से स्टार्ट किया था इस स्ट्रॉन्ग मैन गेम को, और वर्ल्ड में इन्होंने काफ़ी टाइटल जीते, आज भी उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो गाइस उसके बाद जब मैंने देखा कि यस ये हमारा ही गेम है, हमारा ट्रेडिशन है ये, और स्टोन लिफ्टिंग करना भी हमारा एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है, लाइक स्टोन लिफ्टिंग काफ़ी सारे लोगों ने किया हमारे यहाँ, लाइक जैसे हमारे गामा पहलवान आपने सुना होगा रेसलर, उन्होंने 1200 किलो का एक स्टोन लिफ्ट किया था जो आज भी पुणे आप देखेंगे म्यूजियम में रखा हुआ है, और कर्नाटका में शायद अभी तो नहीं होता आई थिंक, बट ट्रेडिशनल एक कल्चर था कि जब लड़की का रिश्ता होता था उससे लड़की वाले स्टोन उठा के देखते थे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मैन चेक करते थे हाँ कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। दूसरा, आपने देखा होगा बुद्धि समाज में भी वो नाल उठाते हैं एक हाथ से स्ट्रॉन्ग उठाते हैं, तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग मैन बैकग्राउंड ही रहा, फिल्म में ये हमारे यहीं से निकला है, हमारे रूट से, तो इंडिया का गेम है, दोबारा से शुरू कर रहे हैं हम लोग,
और इसको पीपल चॉइस बनाना हमने इंडिया में, बस उसी के लिए इसके बाद की जद्दोजहद चल रही है। सो गाइस, जैसा आपने भैया से सुना कि लाइक इंडिया में ही ये लाइक इजाद हुआ था, यहीं पे लाइक ये फाउंड हुआ था ये गेम स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, और इंडियंस जानते नहीं है। और ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि आप सब जाने कि हमारे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग एंड बाकी जो एथलीट्स करते हैं वो ही नहीं होता, स्ट्रॉन्ग मैन भी एक गेम होता है। एंड गाइस, इसमें भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी होती है, लाइक भैया को जैसे बहुत लोग जानते हैं। एंड गाइस, मेरा तो मकसद ये है कि वीडियो जो मैं एथलीट्स को प्रमोट करता हूँ कि लाइक आप उनको लाइक इज्जत दें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एक लाइक पूरा एक रूटीन होता है भैया, जिसको फॉलो नहीं करेंगे तो लाइक ये बिल्कुल भी लाइक जीत नहीं सकते। सो भैया, अपने रूटीन के बारे में बताइए। हाँ देखिए, रूटीन तो एक्चुअली में आप कोई भी गेम अगर करते हैं प्रोफेशनली करते हैं तो उसमें बहुत डेडिकेशन और बहुत विल पावर की जरूरत होती है। स्पोर्ट्स कोई भी इजीली कोई नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स में जितने भी हैं। और हमारे यहाँ तो शुरू से ये रहा है कि इक्विपमेंट्स की और सब चीज़ों की कमी रहती थी हमारे यहाँ एथलीट्स के लिए, जो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को। लेकिन ये कि मैं ये बात तो बोलना चाहूँगा, अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो कोई भी गेम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मेरे साथ शुरू में डिफिकल्टीज ये आई थी कि स्ट्रॉन्गमैन के इक्विपमेंट ही नहीं थे हमारे पास इंडिया में, ना उसके कोई ट्रेनर्स हैं। तो मैंने एफिलिएशन ली वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन से, इक्विपमेंट खुद ही असेंबल करवाए मैंने, और आज इस पीपल जो इस बनता जा रहा है, काफ़ी एथलीट्स हैं जो पहले मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे यहीं पे मेरे पास ही, आज वो लोग अलग अलग जिम में स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्ट्रॉन्गमैन को प्रमोट कर रहे हैं। और अभी मैंने रिकॉर्ड इवेंट भी कराया था, इंडिया का नाम यस वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में भी आ गया स्ट्रॉन्गमैन की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को लोग जानने लगे हैं एज ए स्ट्रॉन्गमैन भी, कि ये स्ट्रॉन्गमैन भी इंडिया में खेला जाता है। और रूटीन की बात करूँ तो देखिए, रूटीन काफ़ी ये होता है कि स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग नॉर्मल वर्कआउट की तरह नहीं होता है, तो बेसिकली हम लोग बीच में दो दिन जो प्रैक्टिस करते हैं तो अपना वीकेंड चूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है और बॉडी यू नो मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है नेक्स्ट डे, लाइक स्टोन लिफ्ट करना, ये सब चीज़ करना, हेड टू टो इतना गंदा पेन, यू नो मसल इतना ट्रेन होती है, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है कि भाई इसी के लिए सब ये वर्कआउट है। अच्छा। हाँ, तो जैसे बाइसेप्स करते हैं तो बाइसेप्स के लिए, स्क्वायर्स एंड थाई के लिए, स्ट्रॉन्गमैन में हेड टू टो आपकी मसल ग्रोथ का वर्कआउट होता है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, सबसे बेस्ट पार्ट यही है। और डेली एक्टिविटीज हम जो घर पे करते हैं, लाइक मैं जनरल भी पब्लिक के लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए, घर में बाल्टी उठाते हैं या अपना सामान बैठ इधर उधर रख रहे हैं या सिलेंडर उठा रहे हैं, तो इस सब की प्रैक्टिस आप जिम में नहीं करते वैसे बेसिकली, क्योंकि आप डंबल उठाते हैं, रोड उठाते हैं, बट स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो ये सब चीज़ें उठा पाएंगे इजिली। और अपना डेली जो आपकी जो रूटीन होता है उसमें कोई एक्टिविटी अगर आपको करनी है, उसमें एंड्योरेंस की जरूरत होती है, स्टैमिना की नहीं। तो इस स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग से आपका एंड्योरेंस बिल्डअप होता है, जो काफ़ी फायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। सो गाइस, जैसा भैया ने पूरी हिस्ट्री बता दी, लाइक स्ट्रॉन्गमैन कौन थे, इंडिया में ही लाइक ये फाउंड हुआ था, एंड जिन्होंने किया था उन्होंने उनका आज भी रिकॉर्ड है, राममूर्ति नायडू जिसने किया था, वो हमारे फर्स्ट स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया थे एंड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन थे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरे बड़े भाई दीपक जी, एंड भैया का मैं हमेशा फैन रहा हूँ। लाइक एंड गाइस, अगर आप सब भी स्ट्रॉन्गमैन बनना चाहते हो, उसकी तैयारी करना चाहते हो, या आपको शौक है लाइक कुछ भी लाइक एथलीट बनने का, तो आप भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनकी अकेडमी का नाम है स्ट्रॉन्गमैन स्क्वाड, और नॉट राहुल भाई सर एथलीट ही नहीं। अच्छा, आप देखिए डेली एक्टिविटीज जो करते हैं उसमें भी स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। हाँ, तो अभी मेरा यही प्लान है कि अभी हमने शेड्यूल स्टार्ट किया, जो जनरल जो पब्लिक आती है हमारे जिम में जो आती है, तो उनको भी हम लोग शेड्यूल में डाल रहे हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग वो भी करें वो लोग, ताकि वो घर में अपनी एक्टिविटीज इजीली कर पाए लोग। और मेरा मकसद है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि यस, जब मोदी जी ने फिट इंडिया को प्रमोट करते हैं, इतना फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग प्रमोट करके कितना अच्छा रहेगा, अगर लेडीज़ अगर हमारे घर में जो महिला है, जो वाइफ है, जो मदर है, उनको हमेशा वेट करना पड़ता है सिलेंडर चेंज करने के लिए कि वो बेटा आएगा या हस्बैंड आएंगे, अगर वो खुद ही उठा के चेंज कर लेंगी तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होगा। तो यही मकसद है मेरा स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग से, कि जनरल पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व हो, और स्ट्रॉन्गमैन सिर्फ प्रोफेशनल गेम नहीं है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं ये सब, तो आपको इसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही करते हैं। तो ये आपका यू नो पीपल चॉइस इसीलिए बनेगा, हर कोई स्ट्रॉन्गमैन है। देखिए, आप लोग घर में बैट उठा रहे हैं, सिलेंडर उठा रहे हैं, कट्टा उठा के लेके जा रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए आप कहाँ भी जाएंगे, देखो फिजिकली ट्रेन आपको होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे आपका फ्रूटफुल रहेगी स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग। सो गाइस, भैया ने आज पूरी हिस्ट्री बता दी, भैया ने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड इसको किसने फाउंड किया था, रामकृष्णामूर्ति उन सर ने किया था, एंड वो वर्ल्ड फर्स्ट स्ट्रॉन्गमैन थे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया आपके सामने है। सो गाइस, ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि आपको अपने इंडिया के
टॉप क्लास एथलीट्स एंड कोचेस से मिलवाया जाए। क्या मुझे बताइए आपकी लोकेशन अपने जिम की? हाँ, यस, लोकेशन मेरी उत्तर नगर के पास अस्ताल गांव में, तो उसमें यहाँ पे मेरा अपना जिम है, स्ट्रॉन्गमैन एकेडमी है, और मैं आप लोग को स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग चाहिए, मेरा मकसद है इस गेम को प्रमोट करना फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग आइए यहाँ पे ट्रेनिंग करके देखिए एक बार, और आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि सिर्फ रोड और प्लेट्स में रिजिड नहीं रहना चाहिए हम लोगों को, हमें वर्सेटाइल ये अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूँ।